ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਟਗਨ ਰੱਖਦਾ ਠਾ ਚੱਲੂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कुछ प्रो टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप बंदे स्पॉट इजीली कर पाएँ। तो पहले हम गन उठा लेते हैं, दो गन उठा लेते हैं, एक स्नाइपर और एक असॉल्ट आरपीजी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप बंदे कैसे स्पॉट कर सकते हो। तो मैंने अभी पूरा डिफ़ॉल्ट कर दिया है अपना सेटिंग, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो मेरा अभी पूरा सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, मेरा डिफ़ॉल्ट सिस्टम। मैं खेला करता था तो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये सामने माउंटेन है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो एजेस थोड़े से मतलब पिक्सेलेटेड आ रहे हैं थोड़े से। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद फिर ग्राफिक्स में जाके पहले तो इसको कलरफुल कर देना है। सबसे पहले तो कलरफुल ये एक्सट्रीम HDR, सॉरी HDR पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, एनेबल। तो आप अब देखो क्या हो गया। तो शायद मेरे को ग्राफिक्स फिर से लोड करने पड़ेंगे। तब तक आपको ऐसे दिखा देता हूँ, जो वो चॉपीनेस थी वो नहीं गई और काफ़ी कलरफुल हो गया, देख सकते हो आप। ये बग्गी आपको दिखेगी। चलो अब यहाँ से बंदे स्पॉट करते हैं। तो ये जनरली नहीं होता है, बट पहली बार हुआ है पता नहीं क्यों, शायद मैंने इन गेम सेटिंग्स चेंज की इसकी वजह से मैच के बीच में। तो आप देख सकते हो कि वो देखो बंदा दिख गया। तो बिना स्कोप के भी आप बंदा देख सकते हो, देखो। तो जो कंट्रास्ट लेवल है वो ब्लैक कलर का बंदा बिना स्कोप के। तो भाई काफ़ी लोगों ने बोला भाई हैकर है ये वो ऐसा ऐसा। तो पहले तो मैं इसे बैक करके देखता हूँ कि आता है कि नहीं। हाँ तो ये जैसे कि आ गया। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई तू हैकर है, तू हैक करके खेल रहा है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ उनको कि बंदे कैसे स्पॉट करते हैं। तो पहला बात तो मेरे पास का मॉनिटर है, तो उससे जब ये देखो अभी भी वही खड़ा है। और भी चलो और दो तीन बंदे और स्पॉट करते हैं इसके ऊपर में जाके। मेरे को लगता नहीं इस लॉबी में ज़्यादा बंदे हैं, बट तब भी और बंदे हम स्पॉट करते हैं, क्विकली स्पॉट करेंगे। और आप देख सकते हो गाइस मेरा जो कैप्चरिंग है वो डिस्प्ले कैप्चरिंग पे है, ना ही विंडो कैप्चरिंग में। तो आप मत बोलना बाद में कि अरे विंडो कैप्चरिंग में है और ESP लगा के अंदर हैक करता है। तो मेरी सारी वीडियो इसी में होती है, डिस्प्ले कैप्चरिंग में ही। आपको हर बार एक वो देखो बंदा दिख रहा है, ये देखो मैं क्रॉस एयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक बंदा है। तो देखो उसके पीछे देखो बंदा दिख रहा है, क्रॉस एयर है। और देखते हैं, चलो ठीक है। तो भाई ऐसे बंदा स्पॉट होता है। अब जब चल रहे हो तो आपको चारों तरफ देखते रहना है कि कहीं कुछ ब्लैक कलर का दिखता है कि नहीं, बस उतना ही खोजो कहीं कुछ ब्लैक कलर का दिखता है कि नहीं। अगर आपके पास अच्छा सैमसंग का मोबाइल या PC या मॉनिटर है तो बस आप खोजो कि आपको ब्लैक कलर का क्या दिखता है, और कुछ मत देखो। ऐसे जब घूम रहे हो ना तो आप बस देखो ब्लैक कलर का क्या दिख रहा है आपको पूरे ग्राउंड में, वो
देखो दो बंदे घूम रहे, उसके पीछे एक और बंदा है। तो कभी कभी मिस हो जाता है, नहीं बंदा है, तो कभी कभी डाउट होता है, लेकिन आप कोशिश करो, आपको भी समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा। तो जैसे कि ये बंदा, ये देखो यहाँ से भाग रहा है, मैं क्रॉस एयर ले जा रहा हूँ, और वो वाला बंदा वहाँ पर भाग रहा है, देख सकते हो। तो इस तरह से आप बंदे स्पॉट करो। ये जैसे एंटी अलाइजिंग ऑन कर देने से ये जो माउंटेन वाला ग्लिच है वो हट जाएगा सबसे पहला। और आप मतलब कभी भी जैसे ऐसे रन कर रहे हो, फ्री रन कर रहे हो, तो ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट की सेंसिटिविटी कम करो, ऑल्ट की सारी सेंसिटिविटी कम करो। मैंने डिफ़ॉल्ट पे कर दी है, इसलिए शायद कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। मेरे को सेंसी वापस अपनी चेंज करनी पड़ेगी, मैंने रीसेट किया था, थोड़ा लैग इशू आ रहा था तो आज अभी थोड़ी देर पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको गाड़ी वाड़ी दिखनी है तो ब्लैक कलर का देखो, देखो ब्लैक कलर का भाग रहा है। तो आप मतलब अगर तो आपके पास सैमसंग मॉनिटर है या कुछ भी है, तो आप देखो ब्लैक कलर मूवमेंट कहाँ हो रही है, ब्लैक कलर मूवमेंट कहाँ हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हर बंदा प्रो होता है या हर बंदा स्पॉट कर लेगा, शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो आप, ये आपके स्क्रीन पे हल्का ग्रे दिख रहा होगा, लेकिन मेरे स्क्रीन पे पूरा ब्लैक है, पूरा पिच ब्लैक है ये। तो इसके वजह से जो डिफरेंस होता है वो, और ये सब जो कलर्स है आपके में थोड़े डल होंगे, तो आप कलर एडजस्ट करो कि जिससे कि ये शार्प आए, कलर जो है काफ़ी शार्प आए। जैसे ये वाले कलर देख रहे हो आप, ये तब भी डल है, मतलब इस घर के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा शार्प है। तो आप देखो कि मतलब शार्प है। उसके बाद साउंड सुने, इधर से साउंड आ रहा है और इधर से ऑन कर दिया, ठीक है। तो इधर से साउंड आ रहा है और ये बहुत ही काफ़ी, और ऑन इधर से चल रही है, वो देखो ऑन चलाने वाला है। तो और आप अगर होल्ड करोगे तो आपको फुटस्टेप भी सुन देंगे। तो आप अगर थोड़ा सा पास में चले जाओगे उनसे तो आपको फुटस्टेप भी सुनाई देंगे। देखो काफी माइनर से है, बट फुटस्टेप आते हैं और काफी दूर तक आते हैं फुटस्टेप। देखो पीछे ही पड़ गया यार, काफी माइनर फुटस्टेप है बट आते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि काफ़ी बंदों ने बोला हैकर है, तो मेरी सारी वीडियो डिस्प्ले कैप्चर होती है पहली बात तो। और मैं अब बोल रहा हूँ मैं फुल स्क्रीन पे क्यों नहीं खेल रहा, क्योंकि मेरे को ओबीएस बार बार स्विच करना पड़ता है। तो मैं दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन पे भी खेल के कि कोई हैक एक्टिवेट नहीं हुआ, और कुछ तो एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं फुल स्क्रीन पे ही गेम खेलता हूँ, बट अभी वीडियो के टाइम पर मैं गेम स्विच करता हूँ, इसके लिए और मैं हमेशा डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ। और अगर आपको एमिंग बेटर करनी, एमिंग क्या मतलब कि बंदे स्पॉट बेटर करने हैं, तो मैंने सेटिंग बता दिया है, आप वो सेटिंग लो। अभी क्या है, मेरा जीपीयू जो जो इनका टेंसेंट वालों का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट पे है, इसके वजह से टेक्सचर ग्लिच हो रहा है। बट जैसे ही मैं एक बार रिस्टार्ट कर लूँगा और टेक्सचर को लगाने के बाद टेक्सचर ग्लिच हट जाएगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। देखिए जैसे कि साउंड वहाँ से आया, तो मैंने देखा स्कोप करके बंदा था, तो आपको ये साउंड और ब्लैक कलर देखने पड़ेंगे। तो इस और एक और चीज़, इस डिस्टेंस के बाद वो बंदा देखो कलरफुल हो गया, 100 मीटर के अंदर, लेकिन 100 मीटर के बाहर जैसे ही रहेगा वो बंदा वो ब्लैक दिखेगा। ये ग्लिच है इस गेम का, तो उस पूरा ब्लैक दिखेगा बंदा। तो आप देख सकते हो, जैसे अगर मान लो उस पहाड़ पे है तो बंदा ब्लैक दिखेगा,
और वो जो पहाड़ वाला जो ग्लिच होता है, ऊपर नीचे ऊपर, मतलब कि पहाड़ के ऐसे पीछे लेटा हुआ रहता है कहीं पर, या यहाँ पे मान लो मैं बैठा हूँ ठीक है, तो उस पहाड़ से अगर कोई स्नाइपिंग करेगा तो उसको मैं दिखता हूँ, लेकिन वो स्नाइपिंग कर नहीं पाता है। तो ये सब एंटी अलियासिंग की वजह से होता है। तो आप जो है बेस्ट सेटिंग्स में जाओ, थोड़ा सा आपको फ्रेम रेट पे मिलेगा, लाइक 60 रहता था तो 58 या 55 हो जाएगा, थोड़ा सा चॉपी रहेगा, बट आप स्पॉट कर लोगे बंदे को। तो अगर आपको चाहिए कि बिना चॉपी हो, तो मैंने एक वीडियो बना चुकी है बेस्ट सेटिंग्स के बारे में पबजी पे, आप वो वीडियो देखो ये और ये वाली सेटिंग अप्लाई कर दो। तो मैंने उसमें एंटी लेजिंग ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं FPS बढ़ाने की बात कर रहा था उसमें, लाइक 60 FPS इन एवरी मोनिटर, मतलब कोई भी मोनिटर हो, PC हो, उसको 60 FPS। तो उसमें मैंने एंटी अलियासिंग बंद करा दी थी, बट मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, और मैंने डिफरेंस देखा है मेरे गेम प्ले में। और काफ़ी बंदों ने भाई हैकर हैकर बोला, तो भाई देखो सीधी सी ये बात, जब तुमसे ना हो पाया तो तुमने दूसरे बंदों को हैकर, आज जैसे मैंने अल्फा को भी, अल्फा गरीबों के को मारा, तो बंदों ने हैकर हैकर बोला। तो भाई देखो जो बोल रहा है बंदे, तो हेट फैला रहा है फैलाने। तो भाई अगर आप, मैं हर दिन स्ट्रीम करना पॉसिबल तो नहीं होता है, कभी कभी मेरे होने लगता है पता नहीं क्यों, ये CPU के ऊपर। तो मैं जब भी स्ट्रीम करूँगा, मैं दिखा दिया करूँगा कि मैं स्ट्रीम के पहले भी, तो मैं जब भी स्ट्रीम करूँगा तो मैं दिखा दूँगा स्ट्रीम के पहले ही कि मैं डिस्प्ले कैप्चर में हूँ, मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चल रही है। और अगर टास्क मैनेजर देखना चाहते हो तो भाई वो भी देख लो कि कोई ESP USB तो नहीं चल रही है बैकग्राउंड में, तो भाई देख लो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। हेटर्स, ये भाई टेंसेंट का एप्लीकेशन है, मेरे को मत बोलना कि, देख लो भाई, क्योंकि एमुलेटर सर्विस आपके में भी होगा। तो भाई कोई को और विंडोज़ में तो छोड़ दो भाई ये। तो मैंने अपना पूरा टास्क बार दिखा दिया भाई, और मैं जस्ट अभी गेम खेल रहा था, गेम खेलने के बाद मैंने सोचा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। तो आप देख सकते हो कि भाई ये हालत है मेरे CPU की जब मैं गेम चालू करता हूँ यहाँ। तो इसी में अगर स्ट्रीम करता हूँ कभी कभी तो CPU गर्म हो जाता है, तो इसलिए मैं स्ट्रीम नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। तो ये हालत रहती है, पता नहीं क्या हो रहा है, जब से ये सीज़न चेंज हुआ है गर्मी बहुत है मेरे रूम में, इसलिए CPU वो ले रहा है। तो देखते हैं गाइस, मैं कुछ दिन में इसको सॉर्ट आउट करके वापस स्ट्रीम करूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करो, और होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं एक और बार सेटिंग्स आपको याद दिला देता हूँ कि ये जो एंटी अलियासिंग ऑन करना है, और कुछ डिवाइस HDR भी सपोर्ट करते हैं, और मेरा एमुलेटर भी करता है, पता नहीं क्या हुआ, शायद वो नॉर्मल में चला गया है। आपको 2K पे सेट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो, HDR यूज़ करना है तो उससे HDR आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे ये वाला ग्लिच तो चला जाएगा पहला तो, पहाड़ वाला, और आपको काफ़ी दूर के बंदे भी दिखेंगे, मतलब देख रहे हो वो वहाँ के घास भी दिखेंगे, और उसके बाद फिर ये आपका गन भी दिखेंगे आपको। जैसे मान लो मैं ऐसे यहाँ पर हूँ, तो घर के अंदर, अगर घर के अंदर क्या, मैं अगर यहाँ पर हूँ और वो उसके अंदर गन है तो मेरे को दिख जाएगा। तो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ऑफ कर दिया है वीडियो में, नहीं तो फिर बोलेंगे हैकर नो ग्रास यूज़ कर रहा है या कुछ कुछ, भाई बंदे तो कुछ भी बोल सकते हैं। देख रहे हो ये ग्लिच, देख रहे हो आप ये घास कहाँ उगा हुआ है, और फिर अब बंदे मेरे को बोलेंगे कि हैकर हैकर, बताओ ये घास देखो आप। तो जैसे कि आप देख सकते, मतलब काफ़ी दूर से आपको दिख जाएगा वहाँ क्या रखा हुआ है, जैसे आप ATX लगा के देख रहे हो ना, तो रेंडर नहीं हो रहा है प्रॉपरली, लेकिन और एंटी अलियासिंग ऑन करने के बाद मतलब थोड़ा डिटेल्ड हो जाता है गेम। तो ऑन करके देखो एक बार, और देखो, और बंदे बोल रहे थे हैकर हैकर, वैसे ही है।
वार्ड लेवल कुछ नहीं यूज़ करता हूँ, बस रिकॉइल कंट्रोल करता हूँ थोड़ा बहुत, कोशिश करता हूँ। तो देख लो कोई एम बॉट नहीं है, और इसको भी मैं दिखा देता हूँ भाई, ये देखो कोई एम बॉट नहीं है भाई, कोई एम बॉट नहीं है, कोई एम बॉट नहीं है। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सब लगा के दिखा देता हूँ भाई, कोई एम बॉट नहीं है। ठीक है भाई, आज की वीडियो यहीं तक थी। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I will give you more cool tips and tricks on PUBG Mobile theory. Thanks for watching.